तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 30 सपनों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ज्ञान बढ़ेगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर एक, लगभग 5 से 10% लोग महीने में एक बार भयानक सपना जरूर देखते हैं, जिसमें कोई हमको मारने के लिए पीछे भागता है। ज्यादातर 3 से 8 साल के बच्चे को इस तरह के सपने अधिक आता है। नंबर दो, कुछ सपने हमें बार बार आते हैं। यह सपने हमें भविष्य में हमारे साथ होने वाली घटना का संकेत देती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। नंबर तीन, कई सारे लोगों की रात के वक्त स्वप्न दोष होता है। ऐसा इसलिए होता है कि रात को सोने से पहले आपने कोई ब्लू फिल्म या ब्लू सीन देखा हो। जब आपका स्वप्न दोष पूरा होता है, तभी आपकी आंखें खुलती है। नंबर चार, ऐसा माना जाता है सपनों का मतलब हमें समझाना या सिखाना भी होता है। नंबर पांच, जो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उन्हें सपने ज्यादा आते हैं। नंबर छह, ऐसा माना जाता है ज्यादातर लोगों को 70% बुरे सपने आते हैं, जबकि अच्छे सपने सिर्फ 30% ही आते हैं। नंबर सात, ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय लंबे सपने आते हैं। नंबर आठ, पुरुष और महिला अलग अलग सपने देखते हैं। पुरुषों के सपनों में 70% चरित्र पुरुषों के ही होते हैं, जबकि महिलाओं के सपने में समान रूप से पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा सामान्यतः महिलाओं की तुलना में पुरुषों के सपनों में अधिक आक्रामक भावनाएं होती हैं। नंबर नौ, जन्म से नेत्रहीन लोग सपने देखने के बजाय उसमें भावना, ध्वनि और गंध जैसी चीजें महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अंधेपन का समय उस व्यक्ति के सपने को प्रभावित कर सकता है। नंबर 10, सपनों में कुछ भी पढ़ना लगभग असंभव होता है, यहाँ तक कि सपने में दिख रही घड़ी में समय पढ़ना भी। नंबर 11, कई बार इंसान सपनों के दौरान लकवाग्रस्त हो जाता है। ऐसा रैम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान होता है, जिसे रैम अटोनिया कहते हैं। इस दौरान इंसान अपना शरीर हिला नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है ताकि सोते समय सपनों पर प्रतिक्रिया न की जा सके। कई मामलों में यह स्थिति जागने के बाद भी 10 मिनट तक रहती है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। हालांकि ये स्थिति काफी भयावह महसूस हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना पूरी तरह सामान्य है और यह कुछ ही मिनटों तक रहने वाली स्थिति है। नंबर 12, ऐसा कहा जाता है कि एक बार सपना टूट जाने के बाद उसे दोबारा नहीं देखा जा सकता, किंतु इसे पूर्णतः नहीं माना जा सकता है। यदि आप कोई अच्छा सपना देख रहे हो और किसी कारणवश आपकी नींद खुल जाए, तो यदि आप तुरंत दोबारा सो जाएं, तो इस बात की गुंजाइश बहुत अधिक है कि आप वह सपना वहां से फिर से देख लें जहां वह टूटा था। नंबर 13, गर्भवती महिलाओं को दूसरों की तुलना में अधिक सपने आते हैं। ऐसा उनमें होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। नंबर 14, हमारे सपने के पीछे हमेशा कोई रहस्य छुपा होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। नंबर 15, सपनों के कारण ही इस विश्व में कई सारे आविष्कार हुए हैं, जैसे कि गूगल और सिलाई मशीन। नंबर 16, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत को सपने में ही देख लिया था, जिसका जिक्र उन्होंने मरने से पहले अपनी पत्नी को किया था। नंबर 17, सपने में हमको कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि अगर सपने में हमें गंदा पानी दिखता है, इसका मतलब कि आप सेहतमंद नहीं हो या आपकी तबीयत खराब होने वाली है। नंबर 18, जब आप सुहावने सपने यूसिड ड्रीम देख रहे होते हो, तो आप इसमें सुपर पावर वाले इंसान नजर आते हो, जिसमें आपके पास कई सारी चमत्कारिक शक्तियां होती है और इस सपने में आप पूरी तरह से अपने सपनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ल्यूसिड ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 19, कई लोगों को ऐसा लगता है कि दिन भर काम करने से दिमाग थक जाता है, लेकिन यह बात सच नहीं है। सोते समय दिमाग और भी तेजी से काम करता है।
नंबर 20, दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो सपने नहीं देख सकते हैं। इस बीमारी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कहा जाता है। नंबर 21, अक्सर कहा जाता है कि सुबह का सपना सच होता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। नंबर 22, हमें लगता है जब हमारा दिमाग थक जाता है तब हम आराम से शांत होकर सो जाते हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि सोने के बाद हमारा दिमाग और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। नंबर 23, साल से कम उम्र के बच्चे अपने सपने में खुद को नहीं देख पाते हैं। जाहिर सी बात है, इस उम्र के बच्चों को कोई भाषा नहीं आती, इसलिए उनके सपनों में सिर्फ तस्वीरें दिखाई देती हैं, आवाजें नहीं। ऐसे बच्चों के सपने डरावने नहीं होते क्योंकि वे डरना ही नहीं जानते। नंबर 24, लोग पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। रंगीन टेलीविजन आने के पहले केवल 15% लोग सपने में रंग देख पाते थे। युवा लोगों की तुलना में बूढ़े लोग अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। नंबर 25, बुरे सपने का कारण डर नहीं होता, बल्कि प्रायः उदासी, अपराध बोध और भ्रम की भावना होती है। नंबर 26, अवसाद से पीड़ित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक सपने देखते हैं। नंबर 27, ऐसा कहा जाता है कि खर्राटे लेते समय सपने नहीं देखे जा सकते, लेकिन इसके समर्थन में अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। नंबर 28, जब हम सपना देख रहे होते हैं तब हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू जब हम जाग रहे होते हैं। नंबर 29, कुछ लोगों को सपने में चलने की बीमारी होती है। नंबर 30, सपने हमारी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करते हैं।